कैप्टन सरकार वालों कितने वादे ते खरी उतरी कैप्टन सरकार, घर घर नौकरी देने दे वादे ते खरी उतरी कैप्टन सरकार, शुरुआत कीती राजपुरा शहर। जी हाँ, असी गल करते हैं कैप्टन सरकार दी, जिन्हें पंजाब दी जनता नाल वादे किते सी कि वह घर घर रोजगार देवेगा। उन्होंने शुरुआत कीती राजपुरा शहर तो। उत्थे विधायक हरदयाल सिंह कंबोज वालों 105 सफाई कर्मचारियों नू नौकरी ते पक्का किता गया। विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने सफाई कामियां नू नियुक्ति पत्र तकसीम करदे होए कहा कि तुसी अपना काम ईमानदारी अते सही ढंग नाल करियो तां जो आने वाले समय विच असी तुहाडे लई होर सहूलतां दा प्रबंध कर सकीए। उन्हां वालों कहा गया कि कैप्टन सरकार अपने वादियां ते खरी उतरी अते पिछले 4 सालां तों लखां दी गिनती विच घरां नू रोजगार प्रदान किते हन। रोजगार की जिहड़ी योजना जिहड़ी चलाई हुई है उहदे तहत असीं अज 100 परिवारां नूं जिहड़ी है वह म्यूनिसिपल कौंसल के अंदर रोजगार दिता। सफाई सेवक जिहड़े रखे आ, इदां ही मैं कुछ दिन पहला बनूड़ विखे भी करके आया सीगा, उत्थे 50 सीगे जिहड़े भर्ती किए आ। सो अज 100 परिवारां नूं जिहड़े है वह दी लिस्ट जिहड़ी हैगी पास हो गई है साडी, वह सैकटरी लोकल गवर्नमेंट तो पंजाब सरकार तो उन्होंने जोड़ा अज तो बाद जोड़ा है भर्ती किया जाएगा तो कलू अपनी ड्यूटी पर चढ़ जाएंगे। नहीं हले कॉन्ट्रैक्ट है बाद जिमें पहले कॉन्ट्रैक्ट के सके हूँ म्यूनसिपल कमेटी ने ऑबजर्व कर लिया तो ये साल दो साल बाद ऑबजर्व कर लेंगे। देशराज जी का दसिया कि उन्होंने कोई जमीन दी है, वह किस चीज़ के लिए दी है? देखो जिमें मैं थोनों कहा कि साडा जिहड़ा मिशन कला राजनीति का नहीं है, सेवा का भी है। मैं अपनी पूरी दी पूरी तनखा मेरे इलाके के बच्चों के वास्ते लाना, और खेडों वास्ते किसी दवाई दवाती किसी को कुछ कराता किसी के बच्चे की फीस भरती हो। मैनू देख के जिहड़े मेरे MC भी है वो बहुत ज़्यादा लगे रहिंदे आ सेवा दे विच। मैं पिछे एक 40-41 करोड़ रुपए का सीवेज का प्रोजैक्ट लैके आया ऑटर कॉलोनिया का, तो 31 नंबर वार्ड तो MC है देशराज उन्नी, इन्हां दे वार्ड का भी हैगा उहदे विच। ते वो जिहड़ा उत्थे सानू ट्यूबवैल लाने वास्ते कोई सरकारी जां थां नहीं सी, इन्हां दा प्लाट पिया सी तां इह कहिंदे भी जरूरी हैगा भी साडे इलाके 'च ट्यूबवैल लगना, वह भी उसी प्रोजैक्ट का पार्ट सी। तां इन्हां दे मन 'च आप ही आया कि मैं बड़े टूंडिया उत्थे साडे कोल थां नहीं है, तो इन्हां ने अपनी 70 गज जिहड़ी जमीन हैगी आ उह म्यूनसिपल कमेटी नूं ट्यूबवैल लाने लई फ्री मतलब कि जिहड़ी दान आ उह दित्ती है, डोनेट की है, जिहदी लगभग 15 लाख रुपए के नेड़े जिहड़ी हैगी आ। नहीं देखो जिथे तक गौं का मामला हैगा ये कला पूरे भारत का ही मैटर है, बाकी थान भी है, पंजाब भी है, साढ़े भी है। इस कितने असी वैसे पहले ही अवेयर हाँ क्योंकि पिछली मीटिंग असी कैचर वैन से जी रेजुलेशन मूव किया जोड़ा साडा पास हो गया, टेंडर हो गए 10 दिन के अंदर अंदर साड़ी वो कैचर वैन जी है वो आ जाएगी। समस्या पर राजनीतिक तौर पर लाहा लैन लई कई पार्ट दूजिया पार्टियां वो असली प्रॉब्लम नहीं समझते। हुण उन्हां दी दोगली नीति यह है, एक पासे तो वह कहने वो की चाहते हैं भी इन गऊं नूं फड़ के असी स्लाटर हाउस भेज दी, वो गल असी होण नहीं देनी। मेरे कोल आ पोस्टर है जिहड़ा उन्हां दा अमन अरोड़ा पार्टी का जिहड़ा विधायक आ बहुत सीनियर लीडर आ, ते उन्हें विधानसभा दे विच उस तों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हां दे MLA भी सी, उन्हें यह विधानसभा च पूरी डिबेट के दौरान किया कि जिनी गऊं ने गऊ वंश है इसमें तुम स्लाटर हाउस भेजो कट्टो बढ़ो खाओ। मैं इन्हों तो यह भी जवाब पूछना चाहना पर जे जो ये चाहते हैं वो गल असी होन नहीं देनी। तो असी गौ माता का बहुत ज़्यादा आदर सत्कार करते हैं, इतने साड़िया जिन्या भी गौशालाज ने उन्होंने प्रोटेक्ट करते हैं असी। मैं हूँ की कहने बनूड़ विखे गऊशाला बनवा के दे रहा, 16 बीघे जमीन मैं उन्होंने दी है, इतने 15-16 बीघे जमीन दी है। इतने साड़ी जी गऊशाला चलती है उन्होंने असी पूरी फाइनैंशियल सपोर्ट करते हैं, उत्थे जाके भी इन तो जाके रजिस्टर चैक करे। मैं पूछता भी जदों इन्ना ज़्यादा
कोविड के दौरान लॉकडाउन के दौरान गऊं भुखियां मर रही सी, कोई उन्होंने वास्ते ना तूड़ी सी ना कोई होर सी, उदों तां तुसीं कदे कोई आए नहीं सामने। अज तुहानूं ज़्यादा फिक्र पै गया इस गल का। मैं असात्री वेले 9 लाख रुपया तूड़ी दे वास्ते इकट्ठा करके जिहड़ा हैगा पुराने राजपुरे गौशाला नूं जिहड़ा उह दित्ता, होर भी जिहड़ी मदद कीती है। और हर महीने असीं जिहड़ा हैगा म्युनिसिपल कौंसल का जिन्ना गऊ सैस सानूं बनता सारा असीं दे दिंदे हैगे। सो इन्हां दीआं गल्लां तों, क्योंकि कहिंदे कुसा कट दे कुसा हैगे, कदे इत्थे रौला पा देणगे। जे मैं किते वधिया स्मार्ट बनाउण लग्गा, शहर नूं वधिया बनाउण लग्गा हां, जे पुराने राजपुरे का पार्क बना कोई गंदा जिहा कागज़ चक्के खड़ जाणगे, लो जी इहदे नाल इह हो जाएगा जी, इहदे नाल इह हो जाएगा जी। फिर जे असीं उरे फ्लावर वैली बनाईए, इन्हां दे ढिड्ड 'च पीड़ हुंदी सी, इत्थे अज कल आम आदमी पार्टी 'च शामिल हो गए, उरे दे नगर कौंसल दे साबका प्रधान, ठीक है। पहले वो कहिंदे असीं बनावांगे इहनूं, तुसीं कदों बनावोगे, तुसीं 10 साल रहे हैं, उदों तां तुसीं बनाया नहीं, दुनिया भर का गंद गिरदा सी। जे अज हरदयाल सिंह ने उहनूं बहुत वधिया बनाता ते होर, फिर पहलां तां कहिंदे रहे जी उरे पेट्रोल पंप लाना जी MLA ने, फिर कहन लगे जी उरे होटल बनाना जी MLA ने, ना पेट्रोल पंप बनया ना होटल बनया। इदां ही पुराने राजपुरे 'च भी जदों मैं उत्थे वो सारी जमीन का मतलब कि आले दुआले असी मिट्टी पवा के उत्थे भरत पवाउण लगे सी, MLA ने तां उरे कॉलेज बनाना जी अपना निजी, अज फिर उत्थे इन्हां दी बोलती बंद हो जाती है। हुण मैं स्पोर्ट्स कंपलैक्स लैके आया, उहदे बारे पहले रोंदे लो जी जे उरे हो गई तां इहदा MLA दी निगाह जी, इहदे ते जमीन दब लेनी है जी। कोई गल नहीं, वो खेडां दा स्पोर्ट्स कंपलैक्स भी हो गया, उहदे टेंडर हो गए सारा, मैं 15 अगस्त तो कम शुरू करा रहे, CM साहब वर्चुअल कर रहे हैं, असी उरे चैनल करांगे असी। सो मैं इन दीआं गल्लां तों नहीं डरदा, अज लोग तां तरीफां करदे आ। रात मैं फेसबुक ते पढ़ रहा सी राजपुरे दे जिहड़ा भी इन्ना मतलब कि उरे गंदा टाइट शहर हुंदा सी, अज इन्ना सोहणा जिहड़ा शहर आ बण गया, साडियां गड्डियां कुदरती ब्रेकां लग के असी देखियां, आप खड़े असी, लोग तां सानूं दिंदे आ बधाइयां वर्ल्ड वाइज, इन्हां दी हुंदी आ तकलीफ। ते अज जिहड़ा मैं पाणी आ पीण वाले दा, उह डबल करा के लिया रहा पाणी दा, जिहड़ी पोगलां रोड ते जिहड़ी लाइन 54 साल बाद उह लाइन पै रही हैगी आ, जिहड़े ये अंदरलियां कलोनियां सी सास्त्र गुरू सिंगरा कलोनी धमौली वाले एरिए च, उहनां 'च क्यों ना सीवेज पवाया इन्हां ने, अज शहर दीआं सड़कां दी नुहार किवें बदली पई हुई है। लोग इन्हां नूं सवाल करदे हैगे, बस बस उन्होंने तो यह होंगे भी लो जी जे बिल्ली मर गई जी, जाते जाते राह दे विच कोई कुत्ता मर गया जी, MLA ने मरवाता जी, MLA ने यह कराता जी, ये कोई करने वाली गल्लां, तुसी अपने कम गिनाओ भी असी की कीता सी, वो कम गिनाओ मैनू भी तुसी ये शहर दे लई कीता, फिर तो कोई गल बनदी हैगी आ। अज यही जिहड़े इंडस्ट्री प्रोजेक्ट सीगे, ये पहला ये क्यों ना लेके आए, क्वार्क का प्रोजेक्ट मेरा ओपन चैलेंज आ इन्हां नूं कि बादलों की सरकार च BJP वालों ने रल के रोकिया उन्होंने क्वार्क के प्रोजेक्ट 2006 च जिहड़ा फ्रैडरिक ने जिहड़ा लेके आया सी, वो 11 साल रुकिया पिया, असी किवें चलवाया, अच्छे 250 किले के जिहड़ा वो एडा वड्डा 250 एकड़ के इंडस्ट्रियल पार्क जिहड़ा बन रहा है, साढ़े जिदन चल गया इसी साल च अगले साल चलन जानी है इंडस्ट्री, उत्थे बड़े 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 यूनिट आ गए आ, तो 15 तो लैके 20 हज़ार बच्चों इंप्लायमेंट मिलेगी साढ़े। फिर तुम लाओ जिहड़ा आज सेरा सेरी का प्रोजेक्ट असी लैके आए हैं, तो वो पिछली सरकार ने भी बथेरा उन्होंने जोर ला लिया सी, गल तो नीयत साफ नहीं सी उन्हें पिछों की खाना चाहते सी, अज वो लैके आए हैं। एशिया का सब तो बड़ा 1100 एकड़ के IT सैक्टर बन रहा, जिदन वो बन गया साढ़ा तो 1 लाख बच्चा लग जाएगा इतने। तो फिर तकलीफ तो इन्हों मैं ये पूछना चाहना कि तुम क्यों ना किया, थानू भी मौके मिले सके। तो बहुत सब जिदा हूँ फ्लावर वैली तो स्टे लग गई, क्या इतने फिर दोबारा कूड़े के ढेर लगन लग जाएंगे या तुम अपने काम इतने ही चलाते रहोगे? देखो मैं तुम्हें दसा, हरदयाल सिंह के होंगे मैं तो उत्थे कूड़े का डंप नहीं बनन दिंदा है, वो फ्लावर वैली और रहेगी यार, फ्ला उन्होंने होर ब्यूटीफाई करने वास्ते मैं कल ही साहब न किया कि मैं CM तो तुम्हें 25 लाख रुपये लिया के देना, इन्हू होर भी ब्यूटीफाई कर। सर इस तो पिछे कलोनी भी है और बहुत डिगता से हूँ साइड से किया है, पर उन्होंने भी मैं किया है इन्हों के इतों रिमूव करो। किसी एक बंदे करके कोई किसी संस्था की बदनामी नहीं होया करती, हॉस्पिटल साडा बहुत वधिया बनया, प्राइवेट हॉस्पिटल नालों ज़्यादा वधिया हैगा, तुसीं उत्थे तुहाडे
कोई इतने से मैं देख रहा है जी पी सिंह उत्थे हूँ दो दिन भर्ती होकर रहे हैं, इन्हों पुछो तुम भी एमरजेंसी से गई है पहला वाली हस्पताल च रहे हस्पताल च फर्क है कि नहीं है इतने कोई जे एक बंदा कोई गलती करते तो मतलब थोड़ी है कि शहर का सारा कंबोज साहब कुछ स्टाफ वालों ना ऑफ द रिकॉर्ड यह भी दसया गया कि डॉक्टर वालों लोगों को यह कहा जाता है कि इतने कोई मशीन नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है मतलब हॉस्पिटल में खुद ही डॉक्टर जो यहोजे डॉक्टर है वो बदनाम कर रहे हैं। नहीं मैं थोड़ा यह पूछना चाहना डायलिसिस दी मशीनां उत्थे हरदयाल सिंह लैके आए सैल काउंटर उत्थे लैके आए डिजिटल एक्सरे उत्थे मैं कराए ऑक्सीजन का प्लांट उत्थे लग रहा है सिटी स्कैन मशीन उत्थे आप इंस्टॉल करा रहे हैं इसी महीने च हो रही है अगस्त महीने के ये किवें मतलब कहने का कोई जे कोई यही जी गल आती है कि मेरे ध्यान च लियाओ बिल्कुल नहीं।